वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई मलयालम फिल्म यानी कि ब्रह्मयुगम के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे मेगा स्टार ममूटी, अर्जुन अशोकन और सिद्धार्थ भारतन। तो बात करें फिल्म के बारे में, तो 2 घंटे 19 मिनट के रन टाइम के साथ आई इस फिल्म को अगर आप एक हॉरर या फिर एक थ्रिलर फिल्म के तौर पर देखने जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके हाथों में निराशा ही लगेगी। पर कहना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल ही खुले दिमाग के साथ, बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, बिल्कुल एक प्रॉपर अटेंशन के साथ अगर आप थोड़े से पेशेंस को रखते हुए इस फिल्म को देखते हो तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये फिल्म आपको एक डिफरेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी। काफी कुछ जगहों पर काफी कुछ नया होता हुआ आपको नजर आएगा, जो डेफिनेटली आपको पहली नजर में थोड़ा सा अलग या फिर अजीब लग सकता है, पर धीरे धीरे ये फिल्म अपनी पकड़ जो है आपके दिमाग पे बनाना स्टार्ट करती है और कहीं ना कहीं खत्म होते होते कुछ ऐसा दे जाती है जिसके बारे में आप बहुत ही आसानी से हफ्तों भर जो है डिस्कस कर सकते हो या फिर सोच सकते हो। फिल्म टेक्निकली इतनी सॉलिड है कि फिल्म का अल्ट्रा स्लो फर्स्ट हाफ भी जो है एक पल को बहुत ही इंगेजिंग साबित हो जाता है, जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड डिजाइनिंग और कमाल के मेगास्टार ममूटी कुल मिलाकर इस तरीके से काम करते हैं कि एक पल के लिए भी जो है स्क्रीन पर से नजर हटती नहीं है। इस फिल्म ने ममूटी जी ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में आज से मेरे हिसाब से 10, 20, 30, 50 साल बाद भी जो है कोई आसानी से बैठकर घंटों तक बात कर सकता है। उनकी वो स्माइल, उनका वो कैरेक्टर में वेरिएशन इतना कमाल का था कि आपको बताऊं तो एक पल को वो कैरेक्टर इस तरीके से मुस्कुराता है, इस तरीके से बात करता है, वॉइस में इस तरीके की एक टोन नजर आती है कि कोई भी बोलेगा कि ये तो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, ये तो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है, और अगले ही पल में वो व्यक्ति इस तरीके का वेरिएशन लाता है अपने एक्सप्रेशन, अपने वॉइस, अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कि जो डर है ना वो व्यक्ति के दिल की गहराइयों में जाकर बस जाएगा। फर्स्ट हाफ के मुकाबले फिल्म का सेकंड हाफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर नजर आता है। मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए सेकंड हाफ ज्यादा इसलिए काम कर रहा था क्योंकि सेकंड हाफ आते आते मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अब ये क्लियर हो चुका था कि मैं यहां पर अब क्या देखने बैठा हूं या फिर आने वाले एक घंटे के अंदर मैं इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं। क्योंकि भूतकालम फिल्म को देखने के बाद जो चीजें मैंने एक्सपेक्ट की थी हॉरर और थ्रिलर डिपार्टमेंट के अंदर, वो चीजें मुझे क्लियर हो जाती है फर्स्ट हाफ में ही कि मुझे यहां पर अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टर कहीं ना कहीं वो अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे हैं, वो यहां पर कुछ और ही चीजों में जो है कमेंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको समझने के लिए कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ जो है हमें प्रिपेयर कर जाता है। और कहना चाहूंगा कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कहानी के अंदर यहां पर राइटिंग में जो लेयर्स हमें नजर आते हैं, जहां पर कह सकते हैं कि एक इंसान की जो मानसिकता है पावर को पाने की, एट द सेम टाइम गुलामों को बनाने की, उस मानसिकता को जो है फिल्म कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ जो मिस्ट्री है फिल्म के अंदर वो मैं कह सकता हूं कि बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि फिल्म स्लो जा रही है, फिल्म एक डिफरेंट अटेम्प्ट के साथ जा रही है तो बहुत ही पहले मिस्ट्री को रिवील कर देती है, ऐसा नहीं होता है। कहानी के अंदर जो मिस्ट्री है वो आखिर तक बनी रहती है। इवन मिस्ट्री रिवील होने के बाद जो चीज यहां पर क्लियर तरीके से निकल के आती है, पावर, लालच और यहां पर कह सकते हैं कि गुलामी को लेकर, वो मैं कहूंगा कि बहुत ही हार्ड तरीके से हिट करती है और आपको फिल्म खत्म होने के बाद भी जो है सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म के आखिरी 20-25 मिनट बहुत ही कमाल के हैं, जहां पर कह सकते हैं कि मैं उसे थ्रिल तो नहीं कहूंगा बट एक अलग सी ही बेचैनी जो है ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें दे जाती है। जहां पर एक सीन आता है जहां पर कह सकते हैं कि यहां पर सिद्धार्थ और अर्जुन दोनों ही जो है एक तरीके से फंस से जाते हैं। एक तरफ जो है सिद्धार्थ एक जगह पर दीवारें जो है चारों तरफ से गोल गोल घूम रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो चार दीवारियों के बीच में फंस सा गया है, दीवारें जो है उसके करीब आते हुए जा रही हैं और एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी सी जो है हमें यहां पर फील होने लगती है। और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है मैं देना चाहूंगा यहां पर अर्जुन अशोकन की परफॉर्मेंस को, एट द सेम टाइम साउंड डिजाइनिंग को। ये दोनों चीजें इतने कमाल तरीके से काम करती है कि स्क्रीन पर दोनों कैरेक्टर्स जिस तरीके का डर, जिस तरीके की बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं, वो सभी चीजें जो है हम यहां पर बाहर बैठे बैठे महसूस कर पाते हैं। ये फिल्म सही मायनों में एक आउट एंड आउट सॉलिड एक्सपेरिमेंटल फिल्म साबित होती है, जहां पर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीटमेंट है ये केवल जस्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीटमेंट नहीं है कि पर्दे पर चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखा दिया तो कुछ अलग फिल्म बन गई, सिर्फ इसलिए इस चीज को यहां पर नहीं रखा गया है। आप देखोगे तो राइटिंग के अंदर इस ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीटमेंट का पूरा सिग्निफिकेंस जो है आपको नजर आएगा, जहां पर आप देखोगे तो ये 2 घंटे 19 मिनट की फिल्म है, आखिरी के शॉट को अगर आप छोड़ दो तो पूरी फिल्म के अंदर डायरेक्टर साहब ने इस ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीटमेंट के थ्रू एक जो कमांड हासिल की है कि आपको कहीं पर भी ये महसूस ही नहीं होगा कि इस दुनिया में इन तीनों के अलावा और कोई
कोई रह भी सकता है। इस तरीके का अकेलापन, इस तरीके का एक डिप्रेसिंग वातावरण जो है ये फिल्म बना जाती है, जहां पर अकेलापन, समय का ठहर जाना, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मेमोरीज जो है लॉस हो रही है, ये सभी चीजें कितनी डिप्रेसिंग हो सकती है अगर ऐसी जगहों पर हम कभी फंस जाए, ये साफ हम जो है फील कर पाते हैं। हो सकता है कि इस फिल्म के लिए मेगास्टार ममूटी की ही जो है दिन रात तारीफें की जाए, पर मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि मेगास्टार ममूटी ने जितना अच्छा काम किया है, कहीं ना कहीं भले ही उस लेवल का नहीं, बट कहीं ना कहीं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम यहां पर अर्जुन अशोकन ने भी किया हुआ है। उनका कैरेक्टर थ्रू आउट इस पूरी फिल्म के अंदर जिस तरीके से हर एक चीज को समझता है, लोगों के पावर को पाने की लालच को, लोगों को गुलाम बनाने की सेटिस्फेक्शन को, समाज में चल रही ऊंच नीच को, हर एक चीज को वो कैरेक्टर 2 घंटे के इस रन टाइम के अंदर जिस तरीके से एक्सप्लोर करता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल का था। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फिल्म मेरे लिए कोई 100% सेटिस्फाइंग फिल्म साबित हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं थिएटर में घुसने से पहले तक मेरे दिमाग में जो है एक अलग ही छवि जो है इस फिल्म के लिए बनी हुई थी। इसलिए मैंने जो है कोशिश की कि आप जो है ऑलरेडी अगर फिल्म देखने जा रहे हो तो ऑलरेडी जो है प्रिपेयर्ड हो जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो छवि बनी हुई थी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फिल्म खत्म होने के बाद एक 100% सेटिस्फाइंग फिल्म साबित होती है, पर जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट यहां पर किया गया है, जो अटेम्प्ट्स यहां पर फिल्म में लिए गए हैं, उसे देखने के बाद मेरे हिसाब से फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है, उससे ज्यादा मायने रखता है कि क्या ये फिल्म देखते समय हमारा इंटरेस्ट इस फिल्म के प्रति बन पाता है या नहीं। क्योंकि अक्सर होता है कि कभी हम कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट देखने जाते हैं तो वो चीज क्लियर नहीं कर पाते कि हमें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, पर एटलीस्ट हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि क्या हमारा इंटरेस्ट जो है फिल्म के अंदर बन पा रहा है या नहीं। तो अगर वो सवाल मैं अपने आप से पूछूं तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट जो है ये फिल्म बनाती है। फिल्म कहीं पर एक पल के लिए भी जो है मेरे लिए बोरिंग नहीं साबित होती है। हाँ, ये कह सकता था कि यहां पर फिल्म के अंदर डेफिनेटली जो थ्रिल का स्कोप था वो था, अच्छा खासा था, पर उसे जो है यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जो है डायरेक्टर ने कोशिश नहीं की है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर इस ट्रीटमेंट के साथ जो है एक स्टेटमेंट ही रखना चाहते थे, जिसको कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म ब्रह्मयुगम एक बहुत ही डिफरेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फिल्म हर किसी के लिए है। डेफिनेटली अगर आप एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी फिल्म को देखने के लिए थिएटर में घुसते हो, जहां पर आप ड्रामा, हॉरर, थ्रिल जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास मौका है तो एक मौका इस फिल्म को जरूर दीजिए और थिएटर में ही दीजिए, क्योंकि ये फिल्म एक अटेंशन चाहती है जो मेरे हिसाब से आप इस फिल्म को थिएटर के अंदर ही दे सकते हो। तो एक बहुत ही ऑफबीट फिल्म है, एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। उम्मीद करता हूं कि इस रिव्यू से ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस फिल्म को देखना है या नहीं देखना है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।